जो आपने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, जो 12,500 करीब आप विधानसभा किशनपुर विधानसभा में फर्जी वोटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? देखिए, किशनपुर विधानसभा 52 में फर्जी वोटर लगभग 12,500 के आसपास हैं, जिसका हमने एक 300 पेज की एक बुकलेट भी कलेक्टर साहब को भी दी है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी दी है। ये कल हमने प्रोवाइड करा दी थी। उससे पहले भी मेरी सभी से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा था कि किशनपुर विधानसभा में भारी संख्या में फर्जी वोटिंग होने की संभावना है। कई बार लोगों के एक ही व्यक्ति के 3 बार नाम है, 2 बार नाम है, पति और पिता दोनों के साथ महिला का नाम है, जिन एक ही पति की 3 वाइफ एक साथ नाम है। इस तरह से बहुत सारी त्रुटियाँ इसमें वोटर लिस्ट में थी, जिसके लिए मैंने कलेक्टर साहब और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी से बात की है और आज हमारी मीटिंग भी हुई है, जिसमें उन्होंने ये माना है कि हाँ, वाकई त्रुटियां हैं और इनका जल्द से जल्द सुधार किया जाएगा और वेबकास्टिंग की जाएगी हर बूथ पे, ताकि फर्जी वोटिंग रोकी जा सके। क्योंकि अब चुनाव सामने हैं, वोटर लिस्ट की 30 तारीख तक लास्ट डेट है कि जो भी संबंधित संशोधन कराना है, और आज हो चुकी है 13 तारीख, तो इस बीच में कितने फास्ट काम हो सकेगा, क्या उम्मीद है? देखिए, जब 5 साल में ही काम नहीं हो पाता तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए वेबकास्टिंग भी की जाती है और सख्त नियम अपनाए जाते हैं, महिलाओं का पर्दा और घूंघट हटा के देखा जाता है, तो बहुत हद तक फर्जी वोटिंग रोकी जा सकती है, मुझे उम्मीद है। और मुझे लगता है कि अब प्रशासन क्योंकि अवेयर हो चुका है, तो किसी ना किसी टाइप से कहीं ना कहीं फर्जी वोटिंग रुकेगी। क्योंकि फर्जी वोटिंग के जैसे आपने बात करेंगे अगर, तो ये फर्जी वोटिंग में जो नाम है वो तो कई सालों से होंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि जो 2018 में चुनाव हुए थे उसमें भी फर्जी वोटिंग हुई है? देखिए, 2018 में फर्जी वोटिंग हुई है, उसी के बेस पे हमने ये तैयारी की थी। हमारी तैयारी लगभग 2 महीने पहले पूरी हो चुकी थी। हमने सभी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमें सही जगह ये हम नहीं पहुँचा पाए या वो लोग हमसे नहीं मिल पाए। हमने कोशिश की है कि जो मतदान है लोकतंत्र की पूरी मर्यादा रहे और स्वच्छ मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो, उसी के लिए हमने ये सारी मेहनत की है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी ये मेहनत कामयाब भी होगी। निर्वाचन आयोग का क्या कहना है कि कब तक ये पूरी जो संशोधन हो के लिस्ट नहीं जारी हो जाएगी? देखिए, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जैसे ही अब जो लिस्ट निकलेगी उसमें मोस्टली जो डबल नेम ट्रिपल नेम है उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा, और जो त्रुटियां हैं कि एक ही मकान जैसे है 00 नंबर से मकान है, 5×9 से नंबर मकान है, जो कहीं अस्तित्व में ही नहीं है विधानसभा में, उसकी पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है और एक लेटर भी आज हमें दिया है। हमारी मीटिंग भी सभी BLOs, SDM और इन सब के साथ हुई है, ADM साहब वगैरह के साथ। उन्होंने कहा है कि हम जहाँ तक हो सकेगा लगभग जो त्रुटियाँ हैं उन्हें सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।